am with a girl who is really, really hard working. 2400 घंटे सातों दिन काम करती है ये. ऐसा नहीं है. नहीं. But thank you. नहीं आप ऐसा करती हो? नहीं 24 घंटे. Because looking good is the only job that you do all the time, right? Oh my God, it's the only job I do. I thought all the time. I'm saying. Thank you. She's so good looking. She's so gorgeous, yeah. Look at that. And we have one guy who's got a flashing smile. मतलब 440 वोट का झटका लगता है इसकी smile देखकर. I'm sure कॉलेज में काफी सारे बंदरों ने बोला तो क्या करना है यहाँ पे यार, टाइम वेस्ट कर रहा है, निकल यहाँ से, है ना? नहीं एक्चुअली मैं बोलता था. अच्छा. मेरे को कोई बोलता नहीं था वहाँ पे कॉलेज में, तो मैं ही बोलता रहता था मेरा यहाँ कुछ नहीं होना, मेरे को एक्टर बनना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ शायद हो जाए. Awesome. कहाँ तक सच है कि बचपन में आपने कोई एक नहीं अब तो मैं भी बोलने लगा नहीं है दमादम मस्त कलंदर और एडमिशन मिल गया था. व्हाट इज दैट? सो सारा को एडमिशन के लिए फोन पे गाना गाना पड़ा था. नहीं ऐसा नहीं है. नहीं ऐसा भी नहीं है. मुझे वैसे मॉन्टेसोरी स्कूल में मॉम एडमिशन करवाना चाहती थी, तो हेडमास्टर ने कहा ओके बट कैन आई टॉक टू हर. तो मॉम पीछे से बोल रही थी से नमस्ते से आदा से गुड इवनिंग, यू नो. तो मैंने फोन दिया, मैंने बोला दमादम मस्त कलंदन अलीदा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदन, और अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी. तो एग्जैक्टली यही शब्द थे, ऐसा नहीं है कि अभी ज्यादा धासु गाती हूँ, लेकिन वैसे ही कुछ था. तो उसके बाद फिर मैंने फोन काट दिया और मॉम एंड डैड वर वेरी अपसेट, लाइक इसके हाथ से तो एडमिशन गया, से कभी एडमिशन नहीं मिलने वाला. लेकिन फिर अगले दिन ही प्रिंसिपल का फोन आ गया था और उन्होंने कहा था शी इज अ कॉन्फिडेंट गर्ल. तो तब से ही कॉन्फिडेंस पे थोड़ी बहुत ब्राउनी पॉइंट्स कमा रही हूँ. ये कहाँ तक सच है कि आप कुंभ के मेले टाइप करोल बाग में खो गए थे? Is that true? Oh, दिल्ली करोल बाग. आपने बहुत रिसर्च किया है. ये तो बहुत ही सब डिटेलिंग पे रिसर्च. मैं तोते के पास भी गई थी, मतलब उठा कार्ड. न्यूज में भी नहीं है कहीं ये आज तक. ये सच बात है. मैं एक हाँ एक मेले में मेरे को तो मेला भी याद नहीं इतना. मैं 5-6 साल का था जब किसी मेले में हम लोग गए थे मेरी फैमिली और तो मेरी सिस्टर ने हाँ वो पैदा नहीं हुई मैं 5 साल के था. तो हाँ तो मैं अकेला था, मेरे मम्मी पापा थे. तो मैं बहुत इंक्विजिटिव ऑफकोर्स बच्चे जैसे होते हैं, तो हर चीज़ में वो मैं रुक जाता था कोई भी शॉप में. तो मैं एक शॉप में वहाँ पे रुक गया था और मॉम डैड ने ना ध्यान नहीं दिया शायद से कुछ तो हुआ और वो आगे चले गए और मैं बस वहाँ पे उसी शॉप में कुछ शायद खिलौने थे या क्या था, मैं रुक गया वहाँ पे बस देखता रह गया. एंड एक्चुअली मैं मम्मी पापा इतना आगे कहीं पे कुछ शॉपिंग करते हुए पता नहीं क्यों ध्यान नहीं गया, बट आधे घंटे मतलब कुछ 5 मिनट बाद या रियलाइज किया होगा उन्हें और आधे घंटे तक मैं मिला नहीं था. बेसिकली वैसा सिनेरियो हो गया था. एंड मेरे लिए अनाउंस करना पड़ गया था वहाँ पे वो होते हैं मेले में वो स्पीकर होते हैं. तो फेयर में थे तो वहाँ पे उन्होंने स्पीकर पे मेरा नाम वाम बोल के कि ये बच्चा, मेरे को तो नाम भी नहीं पता होगा तब शायद, तो ये बच्चा यहाँ पे होगा ऐसा वैसा ऐसा. तो वैसे में मैं मिला किसी को, वो शॉप वाले दूसरी शॉप में चला गया था मैं. तो दूसरी शॉप वाले ने फिर बताया कि अरे ये रहा यहाँ पे, और फिर वहाँ से अनाउंस ऑफिस हुआ. फिर बट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, मारना नहीं, दोनों के बीच में बैठे हुए ऐसी बातें कर रहे हो. बट दैट वाज द रीजन व्हाई शायद भूलभुलैया 2 में कास्ट किए गए. एक्चुअली अभी फुल सर्कल है. अगर अभी आज के दिन में आपको ढूंढना है तो कार्तिक को आप ढूंढ सकते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे सकर खेला जा रहा है ना जी. आप ऐसे ग्राउंड्स में होते हैं फुटबॉल? मैं अभी हाल फिलहाल में मैंने छोड़ दिया एक्चुअली फुटबॉल खेलना, क्योंकि मेरे को बीच में एक इंजरी हो गई थी बहुत ज्यादा, लिगामेंट टेयर हो गया था मेरे को खेलते हुए. और मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि कहीं मेरी लिगामेंट टेयर की वजह से फिल्में ना छूट जाए. फुटबॉल खेलते ही रह जाऊंगा, फुटबॉल के चक्कर में फिल्में चली जाएंगी. अच्छा यू आर इनटू स्पोर्ट, आप अभी टेनिस खेलते रहते हो, बट आई मस्ट से वन थिंग अबाउट वायरल की भी बात नहीं है. मैं तो अभी तक बोलती हूँ थैंक गॉड कि उस टेनिस के पिक्चर्स निकले थे और वीडियोस नहीं, क्योंकि जितने ही टशन के साथ मैं वो रैकेट के साथ चल रही थी उतने ही लैक ऑफ टशन के साथ मैं यहाँ. मैंने एक बार मैं टेनिस कोचिंग के लिए गई थी और मैंने टेनिस कोच को बोला यहाँ मारो ना इतना भगा क्यों रहे हो. और उसका भी खुलासा कर दूं, जब पापा ने कहा कि मेरा ट्रेलर लव आजकल का तुम लोगों से बेहतर था, तो सारा ने क्या किया? मुझे लगता है हमारा ट्रेलर बेहतर. बिल्कुल टशन वाली बात. व्हाट इज योर केमिस्ट्री लाइक विद स्टेफली खान? मैं स्टेफ सर से बहुत कम मिला हूँ, मैं इतना ज्यादा बार नहीं मिले हम लोग
बट जब भी बात करें ही इज रियली फनी सो आई रियली लाइक इंटरेक्टिंग. हाँ लेकिन मेरा इतना इंटरेक्शन उनके साथ नहीं हुआ बट जितना भी हुआ है मैं मतलब हमेशा कुछ ना कुछ एक फनी सा इंटरेक्शन रहा है हमारा.